चुनाव का मौसम चल रहा है, ऐसे में सभी पार्टी एक एक वोट के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रही है। कभी नेता सड़कों पर वोट के लिए नाचते नजर आ रहे हैं और कभी मंदिर में चक्कर काटते। इसी बीच भाजपा पार्टी भी अपने एक एक वोट के लिए गंभीरता से चल रही है। हर चुनाव में हम सुनते हैं कि बुरखे या नकाब की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है। इस आरोप से बचने के लिए और बेमानी चुनाव से दूर रहने के लिए भाजपा पहल लेकर आई है। क्या है वो पहल, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आपने देखना शुरू कर दिया है जनहित टाइम्स। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए सियासी पार्टियां और नेता जहां हर दाव आजमा रहे हैं, वहीं मुस्लिम इलाकों में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बीजेपी ने भी इस बार खास रणनीति तय की है। दरअसल इस बार बीजेपी फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए उन इलाकों में मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को पोलिंग एजेंट बनाएगी जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं। काम को अंजाम देने के लिए पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी इस बार मुसलमान बहुल इलाकों में ये पहल करेगी जहां पार्टी की मुस्लिम महिला ब्रिगेड ऐसे इलाकों में बूथ पर पोलिंग एजेंट की भूमिका में नजर आएंगी। यही नहीं, मोर्चे से जुड़ी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को वर्कशॉप और छोटी मीटिंग्स करके ये समझाया गया है कि कैसे वो पोलिंग एजेंट के तौर पर बुरखे या नकाब में होने वाली फर्जी वोटिंग को रोक सकती हैं। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ऐसे 20,000 बूथ चिन्हित किए हैं जिसमें करीब 33% पोलिंग एजेंट मुस्लिम महिलाओं होंगी जो नकाब या बुरखे में आई वोटर्स की पहचान कर फर्जी वोटिंग को रोकेंगी। इस मोर्चे को लेकर यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासत अली का कहना है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में ऐसे बूथों पर है जहां अब तक बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और पोलिंग एजेंट नहीं होते थे, वहां पोलिंग एजेंट बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि लगभग 20,000 बूथों पर हमारी तैयारी है जिसमें 33% महिलाओं को पोलिंग एजेंट बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं जो बुरखे की आड़ में जो फर्जी मतदान होता था, ये पोलिंग एजेंट उन मतदाताओं की आईडी देखकर उनको पहचान कर रोकेंगे। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की नेता और लखीमपुर खीरी की प्रभारी फरा रिजवी कहती है कि बुरखे की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि कई बार नकाब या बुरखा पहनने वाली महिलाएं वोट डालने ही नहीं जाती। इसके पीछे यही डर होता है कि कोई पुरुष कर्मी उनका चेहरा देखेगा, ऐसे में उनकी जगह फर्जी वोट कोई और डाल देता है। अब मुस्लिम बहनों के पोलिंग एजेंट बनने से मुस्लिम महिलाओं के मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री के 3 तलाक को खत्म करने के फैसले और योजनाओं को बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलने से मुस्लिम बहनें प्रभावित हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि इस पहल से देश में फर्जी वोटिंग रुकेगी या नहीं? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।